हर किसी के घर में छोटा बच्चा होता है। ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, कह सकते हैं 0 से 1 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट खबर है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद कॉलेज के प्रधानाध्यापक से कि किस प्रकार से छोटे बच्चे का इलाज विभिन्न बीमारियों में किया जा सकता है। जब पूर्वजों का देखेंगे तो उस वक्त भी जो घरेलू नुस्खा हुआ करता था वही आयुर्वेद हुआ करता था। सर बताएंगे कि जो बच्चे होते हैं 0 से 1 वर्ष तक के, अगर मान लीजिए उसको लूज मोशन हो गया तो उसमें किस प्रकार के इलाज घर में घर के नुस्खे से किया जा सकता है? देखिए, जब छोटे 0 से 1 साल तक का बच्चा को लूज मोशन हो तो घरेलू उपचार के रूप में हम लोग सौंफ का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। सौंफ को हम लोग क्या करेंगे कि लगभग आधा ग्राम सौंफ को पीस डालिए और पीसने के बाद आप 1 कप पानी को क्या कीजिए, पूरा खौलाइए। खौलाने के बाद उसको ठंडा कीजिए, उसमें फिर उस सौंफ को पूरा घोल दीजिए और थोड़ा सा मिश्री उसमें मिला दीजिए। और मिश्री मिलाने के बाद उस बच्चे को 5 ड्रॉप 10 ड्रॉप ऐसे करके दिन में 3 से 4 बार दीजिए। तो मुझे लगता है कि कैसा भी आपको जो लूज मोशन होगा वो आपको बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आज के घर में भी हैं छोटे बच्चे और इस तरह की समस्या हो रही है तो अचानक से आप अस्पताल नहीं जा सकते हैं, प्रॉब्लम होती है अगर देर रात इस तरह की परेशानी हुई तो, और छोटे बच्चे के कारण लोग घर में घबरा जाते हैं, तो आप घरेलू नुस्खा जो बताया गया है उस पर भी आप अमल करके बच्चे को घर में रख करके ही स्वस्थ कर सकते हैं। और आयुर्वेद एक ऐसा चीज़ है जिससे कि कोई भी हानि नहीं होती है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।